to my channel Craft with Disha and please like subscribe my channel. So आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रूम ऑर्गेनाइजेशन. सो पहले तो जो जिस चैनल पे न्यू है वो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सारी वीडियोस को उंगलियां मार के लाइक कर दो. सो आप सोच रहे होंगे रूम ऑर्गेनाइजेशन की मैं ले आई हूँ तो दोबारा से रूम ऑर्गेनाइजेशन. तो ये रूम ऑर्गेनाइजेशन पार्ट टू है. इस पार्ट में बहुत यूनिक रूम ऑर्गेनाइजेशन होगी. पहले हम ये सारा सामान हटा देंगे यहाँ से. उसके बाद ये टेबल को पता नहीं कहाँ पर लगाएंगे, जहाँ भी लगाएंगे लेकिन सही जगह लगाएंगे. चलो अब इस चेयर पे मैं जितना भी सामान आ रहा है वो सारा फिट कर देती हूँ. ये मार्कर जो मैंने रिसेंटली परचेज किए थे, उसके बाद ये पेन्स, ये कलर्स, ये पेन होल्डर, डेकोरेशन की सारी टोटली आइटम्स एंड नोटबुक, किट्स, सारा सामान भर दो. उसके बाद ये बीट बॉक्स, उसके बाद ये किट्स, उसके बाद ये ग्लिटर्स, डेकोरेटिव आइटम्स. ये सारे डेकोरेटिव आइटम मैंने ली है, हम इनको इधर रख देंगे. नेक्स्ट मैंने काला चश्मा जचदाए गोरे मुखड़े थे. ओके इसको हम इधर ही रखेंगे. अभी ये सारा कौन करने वाला है. चलो सारी ग्लूस को उठा लेंगे. ये कॉइन चवन्नी क्या कर दिए यहाँ. एंड कुछ वेस्ट मटेरियल जो ऐसे ही पड़े थे. उसके बाद ये नोटबुक्स भी एंड वगैरह वगैरह सब भर देंगे हम साइड में. रख दें. ये मैं बनाने जा रही थी कॉमिक बुक लेकिन अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं की है. एंड ये मेरे पास कुछ स्टिकर्स, ये एक्स्ट्रा कटआउट्स वाले फोल्डर में से मेरे को खोज के कहीं से भी मिले थे. तो फ्रेंड्स ये मैंने सब रख दिया है. अभी इस चेयर को पूरा भर दिया है उधर भी. तो अभी ये वाला टेबल खाली करें या ना करें इसको ऐसे ही सका देंगे. ये कीबोर्ड स्विचर एंड ये एम्प्टी पाउच सब सामान को हम निकाल के साफ करके क्लीन से रख देंगे. सो ये रहा नोटबुक एंड ये है कुछ प्यारा सा क्रिस्टल जो भी है. अब इधर का सारा हम सामान साफ फटाफट सफरचट कर देते हैं. जितना भी रद्दी है वो सारा मैं साइड में लगा देती हूँ. बाद में फेंक देंगे हम खोज के कि हमें क्या क्या फेंकना है. अब चलो वीडियो बनाने पे ध्यान देते हैं एंड सीधा मेरी तरफ चलो. तो अब इस टेबल को हम किधर करें फ्रेंड्स. फटाफट से कमेंट से भर दो कमेंट बॉक्स कि किस साइड करूँ मैं टेबल को. 10 seconds है सिर्फ. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. So time up. So मैं किस साइड करूँ. हाँ कमेंट बॉक्स से फटाफट से कमेंट पढ़ के मैं अभी आती हूँ. 1 second में कमेंट पढ़ के ठीक है. तो अभी मैं फटाफट से आती हूँ. ओके सो मैं आ गई हूँ कमेंट्स पढ़ के. सो ज़्यादातर किन लोगों की कितनी वोट्स हैं वो मैंने काउंट कर ली है. सो हम करने वाले टेबल को सामने. सो चलो फटाफट से इसको कर लेते हैं. इसको पहले हम पीछे बनवा लिया
पीछे बहुत ज्यादा गंदगी हुई है, अभी हमें झाड़ू भी मारना पड़ेगा। चलो 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 उधर जाओ तुम। अब हमें इसको उधर
को ऊपर रखें। पेंसिल कलर्स, स्केच पेंसिल, पेंसिल कलर रख दिए गए हैं, तो देख के बाकी क्रेयॉन भी रख देते हैं हम। एंड क्रेयॉन कौन से? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ग्लूज। सो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा खजाना रखने के बाद मिलती हूँ, ओके? सो फटाफट से मैं आपको दिखा देती हूँ एंड का सीन। अरे आ गए आप सब, ठीक है, तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या किया। मैं डिटेल में सारा बता दूंगी फटाफट। चलो शुरू करते हैं इस साइड से। इस साइड है मेरा टाइम टेबल, कुछ यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम्स पड़े हैं वेस्ट वाले एंड ये वूल। उसके बाद यहाँ पर मेरा पाउच, पाउच नंबर 1, पाउच नंबर 2, पाउच नंबर 3, पाउच नंबर 4। उसके बाद इधर आ जाओ, मेरे मेरे काला चश्मा जो चलाए। उसके बाद है ये डेकोरेटिव आइटम्स, उसके बाद ये पेंस, उसके बाद ये सिजर्स, उसके बाद कुछ ग्लिटर्स, उसके बाद ये, इसको भी डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरी मार्कर, ये मेरी मार्कर्स की साइड है, ये स्केल्स, ये देखो सबसे प्यारा स्केल बारबी वाला, उसके बाद पेंसिल, टूल्स, इरेजर, पेन वगैरह वगैरह की इंक, उसके बाद ये आ गई है पेंस, है ना मस्त। ये है मेरी ग्लूज की कलेक्शन, ये नॉर्मल ग्लू, ये नॉर्मल ग्लू, ये भी नॉर्मल ग्लू, ये बिग ग्लू, दिस इज ऑल्सो बिग विन ग्लू, दिस इज ग्लू स्टिक। उसके बाद जरा थोड़ा सा ऊपर हो जाओगे तो यहाँ पर दिखेंगे आपको क्यूट क्यूट की चेन्स, ये ताजमहल वाली, ये दिल वाली। चलो अब चलते हैं हम थोड़ा और ऊपर। नेक्स्ट सेकेंड फ्लोर पे है मेरी ड्राइंग्स के यूज के लिए कलर्स क्राफ्ट आइटम्स, ये देखो। वाह, है ना मस्त, बहुत सारे नीचे से ही दिखते हैं ये। चलो अब हम आते हैं इस पे, ऊपर से अब नीचे आएंगे। यहाँ पर है मेरी कुछ नोटबुक्स जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन नोटबुक्स हैं, दिस वन भी। और अच्छा, मेरे को ना बहुत ना दिक्कत हो जाती है, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता, तो मैंने हर एक चीज़ के अलग अलग फोल्डर्स लगाए। देखो ये है मेरे वाइट पेपर्स का फोल्डर जो कि है बंडल भर के, बहुत भारी हो गया ना ये फोल्डर। उसमें इसमें पिक्चर्स भी हैं, ये देखो, जैसे कि मैम ने होलीडे वगैरह होमवर्क दे दिया तो इसमें मेरे को इस तरह की पिक्चर्स वगैरह मिल जाती हैं और नेम स्लिप्स भी। ये फोल्डर, सेकंड फोल्डर में मेरी ड्राइंग्स, स्केच बॉक्स वगैरह वगैरह, इसमें मेरी शीट्स हैं, इसमें मेरे जर्नल के यूज़ के लिए एक्स्ट्रा कटआउट्स, ये देखो, जैसे कि ये, यहाँ पर मैं अपनी अनयूज्ड कटआउट्स वगैरह रख लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं जर्नल के, जर्नल में छोटू छोटू सा पेपर भी स्टार में कट होके बहुत सुंदर लगा हुआ लगता है, तो इन सब फोल्डर्स को लगा दिया मैंने इधर। फोल्डर्स प्लस 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 डायरीज एंड नोटबुक्स,
ये डायरी, दिस इज माई जर्नल डायरी, माई पर्सनल, ये मैं आपको दिखाऊंगी नहीं लेकिन मैं इसका प्लेन पेज जरूर दिखा दूंगी। ये मेरी पर्सनल फुल डायरी है, उसके बाद ये मेरी गेमिंग बुक है। गेमिंग बुक मैंने शायद नहीं दिखाई, मैं आपको गेमिंग बुक का टूर भी करवाने वाली हूँ, सारी गेम्स को खेल के दिखाने वाली हूँ, लेकिन अभी नो नो नो। नेक्स्ट, ये सारे फोल्डर्स को हम रख देते हैं। अब आता है नेक्स्ट, यहाँ पर है मेरी सारी सुंदर सुंदर चीज़ें जो मेरे टेबल पे बहुत ज़्यादा ही यूज़ में आ जाती हैं। ये है मेरी किट नंबर, ये मेरी पॉकेट किट है जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, यूनिकॉर्न पॉकेट किट। एंड ये मेरा बीट बॉक्स है, हाँ ऑफकोर्स बीट बॉक्स और गेमिंग बुक मैंने आपको नहीं दिखाई है, वो मैं अलग वीडियो में एक साथ आपको दिखाने वाली हूँ। ये नोटबुक्स को, क्लियर नोटबुक्स को हम इधर रखते हैं। एंड यहाँ पर है मेरा क्लिप बोर्ड, जो भी चीज़ मैं बनाने लगती हूँ वो मैं इसमें पिनअप कर देती हूँ, बिकॉज पता ही होगा सामने है मेरी सारी ड्राइंग्स, बट मेरे साइड देखना क्योंकि आपने मेरी स्टिकर बुक तो बिल्कुल ही देखी होगी, मेरे स्टिकर्स आप सोचते होंगे कैसे बनाती हूँ मैं स्टिकर्स। सो नेक्स्ट वीडियो में ऑफकोर्स मैं आपको सब दिखाने वाली हूँ, जो जो मेरी न्यू चीज़ें हैं, जो जो मैंने अभी तक आपको नहीं दिखानी है। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं स्टेशनरी आइटम परचेज करूँ और आपको ना दिखाऊँ। तो कैसा लगा मेरा पूरे रूम का प्यारा सा ऑर्गेनाइजेशन टूर? मुझे तो बहुत मज़ा आया आपको दिखाने में। सो आपको मैं एक और चीज़ दिखाने वाली हूँ, इधर आप ये मैंने खुद बनाया प्यारा सा मॉडल सोलर सिस्टम का, है ना प्यारा?